छुपका कितना लगा रहे हैं? छुपका 120 का जोड़ा। टोकरी का? टोकरी का जिन साइज है 120 का है, वही 100-200 का है, 250 का, सबसे बड़ा 250 का है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ ग्राहक तो आ ही रहे हैं। कम बेसी करने तो बोल ही रहे होंगे। कम बेसी कर, बहुत कम, बहुत कम। कितना बोल रहे हैं कम करने के लिए? 75 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ। शारदा सिन्हा जी का तो नाम सुना ही होगा। वो तो बिहार के। तबीयत उनकी काफी ज्यादा खराब है, क्या कुछ कहेंगी? ईश्वर से प्रार्थना है सही हो जाए, स्वस्थ रहे वो, और क्या। उनके गाने के बिना तो छठ अधूरा। हाँ छठ अधूरा ही है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में छठ की धूम देखने को मिल रही है, और आपको बताएं ये भी कि पूरी तरीके से बाजार जो है सज के तैयार हो गया है। जहां एक तरफ आज नहाई खाई है, कल खरना होगा, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर उगते हुए सूर्य को। लेकिन हम बाजार की स्थिति आपको दिखाने लाए हैं कि इस बार बाजार का माहौल कैसा है। तो पहले आप तो देख लीजिए कि हाथी कोष जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हर तरीके के मिट्टी के दिए, कलसा, टोकरी, आम की लकड़ी जिसपे प्रसाद बनता है। क्योंकि छठ की अगर हम बात करें तो सुत्ता का पर्व है और काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको लेके लकड़ी पर और मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनाने की परंपरा है। तो हम इधर आए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि क्या कुछ नज़ारा है और कितने का है, ये भी हम जानेंगे लोग से। अम्मा अम्मा कितने का बेच रही है? मेरा नहीं, हम खरीद रही हैं। अच्छा ये बताइए कितने, कैसा है बाजार इस बार का? ठीक है, महंगाई है? हाँ महंगाई तो है। कितने का बेच रहे हैं ये? कितना लाभ लगाया आपको? अभी नहीं तय हुआ है। छठ करती हैं आप? नहीं, मेरी बहू करती है। बहू करती है। अच्छा ये बताइए छठ कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? हाँ बहुत है। चलिए कोई बात नहीं, आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, सूप आपको दिख रहा होगा, साथ में सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बाज़ार अगर हम बात करें तो पूरा तरीके से सज चुका है। अगर हम आगे भी दिखाएं तो ये आर ब्लॉक गोलंबर है और चारों तरफ यहाँ पर जो है सूप, कोसी, मिट्टी के चूल्हे, सारी चीज़ें बिक रहे हैं। और आप देखिए लोग भी काफ़ी आ रखे हैं और लगातार सामान की बिक्री जो है वो हो रही है। छठ की अगर बात करें तो छठ महापर्व बिहारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और चाहे कहीं भी रहें लेकिन बिहार आके छठ ज़रूर मनाते हैं। खरीदने आए हैं? नहीं, बेच रहे हैं। बोलिए जी, दाम क्या है, कैसा है मार्केट इस बार का? अच्छा है। अच्छा क्या दाम है? सूप का कितना लगा रहे हैं? छुप का 120 का जोड़ा। 120 का जोड़ा? और टोकरी का? टोकरी का जिन साइज है 120 का है, वही 100-200 का है, 250 का, सबसे बड़ा 250 का है। अब ग्राहक आ रहे हैं? हाँ ग्राहक तो आ ही रहे हैं। कम बेसी करने तो बोल ही रहे होंगे। कम बेसी कर, बहुत कम, बहुत कम। कितना बोल रहे हैं कम करने के लिए? 75 रुपए लगाओ, 100 रुपए लगाओ। अच्छा जितनी लागत लगाई क्या उतनी लागत निकल जाती है? हाँ कभी कभी निकल जाती है, जैसा डिपेंड है ग्राहक पर, ग्राहक रहेगा तो निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप तो ऐसे सामान बेच रहे हैं लेकिन आपके लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है? सब छठ तो बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए छठ तो महत्वपूर्ण है ये है। देखिए यहाँ पे ग्राहक भी है, हम इनसे जुड़ेंगे। नाम क्या हुआ मैम? मेरा अनु सिन्हा नाम हुआ। अनु मैम ये बताइए कैसा है बाजार, महंगा, सस्ता या ठीक ठाक? महंगा तो है। महंगा है? क्या क्या आपको महंगा लग रहा है? ये सूप द्वारा मार्केटिंग कीजिए, कपड़ा हर कुछ तो महंगा ही है। अच्छा ये बताइए कैसे बेच रहे हैं ये आपको? ये अभी तो हम ले ही रहे, पसंद कर रहा है कौन सा ले, कौन सा साइज है, क्या है। अच्छा छठ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं जिनको नहीं मालूम, आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए छठ तो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, सालों साल का इंतजार है छठ का जी। बाहर बाहर से हम लोग आते हैं, बहुत उत्साह और श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को हम लोग मना रहे हैं जी। और हर भेदभाव को ख़त्म करके मिलजुल कर सबको पर्व में लगे हुए हैं। आप भी छठ करती हैं? जी नहीं, हमारी भैया भाभी करते हैं छठ जी। अच्छा शारदा सिन्हा जी का तो नाम सुना ही होगा। वो तो बिहार के। तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या कुछ कहेंगी? ईश्वर से प्रार्थना है सही हो जाए, स्वस्थ रहे वो, और क्या। उनके गाने के बिना तो छठ अधूरा। हाँ छठ अधूरा ही है, उनका गा के कामना करें। हाँ स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, स्वस्थ हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए आप यहाँ पर जो सूप है वो 120 रुपये जोड़ा बिक रहा है, तो डोरा जो है वो एक मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, एक लार्ज साइज़ है, और उसी के हिसाब से बिक रहा है। आप देखिए मिट्टी के चूल्हे जो 100 रुपये
में एक मिल रहे हैं और 200 रुपए के जोड़े, कम बेसी तो होता ही रहेगा। और ये बाजार है छठ का, तस्वीर आप देख लीजिए सीधे तौर पे, और लोग लगातार खरीद बेच रहे हैं। और इस बार महंगाई बहुत है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है उनका कहना है जितनी लागत लगी है उतनी लागत निकल भी नहीं रही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।